हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। तो चलिए हम वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सीड तैयार करनी होगी। वैसे तो स्प्रिंग रोल की सीड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कहीं कहीं ये सीड्स नहीं मिलती हैं, तो हम इन्हें घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल की सीड्स के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है, इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। इसमें एक टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से जो स्प्रिंग रोल की सीड्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम एक टीस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को भी अच्छे से आटे में मिला लेंगे। फिर एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम डो को तैयार करेंगे, एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा डो बहुत गीला हो जाएगा। हमें डो इस तरह से रखना है जिस तरह से हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा कम गीला रखना है, नहीं तो ज़्यादा गीला अगर डो होगा हमारा तो हमें थोड़ा सा मुश्किल आएगा सीड्स बनाने में। इसलिए हम थोड़ा सा कड़ा सा डो तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे को अच्छे से 2-3 मिनट तक मसल मसल के इसी तरह से तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होगा। अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। डो से एक ही साइज की हम लोइयां तैयार करेंगे, जिससे कि हम जो सीड्स बनाएं वो एक ही साइज की हों। सभी लोइयों को एक ही शेप देकर, इस तरह से गोल शेप देकर हम बना लेंगे। फिर उसे हम पतला पतला रोटी के आकार का बेल लेंगे। जो हम स्प्रिंग रोल की सीड्स बनाएंगे वो एक ही साइज की होनी चाहिए। सीड्स बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लेते जाएंगे और सीड्स को बेलेंगे, ताकि ये जो बेलन में चिपके ना, इसलिए हम जैसे ही चिपकती है वैसे ही सूखा आटा ले लेंगे और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। इसी तरह से मैंने एक सीड पहले से ही बना के रखी थी और अभी हमें एक सीड और बनानी है, जिस तरह से हम 3-3 सीड के बैच में एक सीड तैयार करेंगे। तीनों सीड्स रेडी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले एक सीड लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे, ताकि जो हम सीड इसके ऊपर रखें तो वो चिपके ना। किनारे से लेके बीच में अच्छे से ही ऑयल लगा देना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा भी हमें चारों तरफ अच्छे से फैला देना है, जिससे कि हमारी सीड आसानी से निकल जाएंगी। इसके ऊपर हम फिर दूसरी सीड रखेंगे। इसी तरह से हम दूसरी सीट में भी ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सूखा मैदा डस्ट करेंगे। फिर इसमें भी हमें मैदा ऊपर से जो हम लगा रहे हैं उसमें अच्छे से पूरी चारों तरफ से फैला लेनी है। एक सीट और रखेंगे। आप चाहें तो 3 या 4 सीट को इसी तरह से बनाकर स्प्रिंग रोल की सीट्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम जो बाकी बची सीड्स हमने बेल ली थी उनको भी इसी तरह से 3-3 सीड से एक सीड बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो 3 सीड बनाकर एक सीड तैयार की थी उसको अच्छे से पतला पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सकता है। बहुत थोड़ा हल्के हाथों से हम इनको बेलेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगी आपस में। और साइड में हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इन जो हमने बेसीट को बेल कर रखा है उसको तवे पर डाल देंगे और गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। बहुत तेज आंच में हमें इन सीट को गैस तवे पर नहीं डालना है। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सीख जाएगी, फिर हम जब इसमें हल्के हल्के से बबल्स दिखने लगेंगे तो हम इनको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसी तरह से सीखने देंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये सीड्स देखने में अच्छी नहीं लगेंगी।
दोनों तरफ अच्छे से सीख गई हैं। अब हम ये वाली सीट को निकाल लेंगे और जो दूसरी हमने बेल के रखी है उसको तवे पर धीमी आंच पर डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा सीट को नहीं सेकना है, सेम जैसे हमने पहले सेकी थी उसी तरह से सेकना है। अब हम इनको तुरंत ही सीड्स को अलग अलग कर लेंगे जिससे कि ये तुरंत निकल जाएंगी। अगर ये ठंडी हो जाएंगी तो ये आपस में चिपक जाएंगी। इसी तरह से हम दूसरी सीड को भी निकाल लेंगे जैसे हमने पहली वाली सीड को निकाला था। बिल्कुल पतली पतली सीड्स बनके तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें पतली पतली सीड्स स्प्रिंग रोल के लिए बनानी है और बाकी बची सीड्स भी हमने सेक लिए हैं उनको भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। इसको भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे। इसमें शायद अच्छे से ऑयल नहीं लग पाया, अगर किनारे में अच्छे से ऑयल नहीं लगेगा तो हमारी सीड्स इसी तरह से किनारे में चिपक जाएंगी तो हमें निकालने में थोड़ा मुश्किल आएगी। फिर भी हम इन्हें धीरे से थोड़ा सा निकाल लेंगे, अगर ये टूट भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीच से ना टूटनी चाहिए हमारी सीड्स। इसी तरह इसे हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे निकाल लेना है सारी सीड्स को, अगर ये चिपक भी जाती हैं। सारी सीड्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारी सीड्स रेडी हो जाने के बाद हम इन्हें कपड़े में ढक कर रख देंगे। जब हम स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करेंगे तो हम एक एक सीड निकाल कर बनाएंगे। अगर हम इन्हें कपड़े में नहीं रखेंगे तो ये सूख जाएंगी और स्प्रिंग रोल बनाते टाइम हम ये चटकने लगेंगे, इसलिए हमें इन्हें एक सूती कपड़े में ढक कर रख देना है। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमें सारी सब्जियों को स्लाइसिस में पतला पतला कट कर लेना है, जिस तरह से मैंने पत्ता गोभी को कट किया उसी तरह से हम इसने पतला सारी सब्जियों को पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और चाहे तो आप गाजर को ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। कढ़ाई भी गर्म हो गई है, अब इसमें हम एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे, इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और कटी हुई एक हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से भुनने देंगे। इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हरा प्याज डाल देंगे जिसको उसको भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था। थोड़ा सा प्याज, दोनों प्याज को अच्छे से भुनने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सेजवान सॉस डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सेजवान सॉस डाला है। सब्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सब्जियाँ उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सेजवान सॉस डालें। अब हम इसमें स्लाइसेस में कटी हुई जो सब्जियाँ थी उनको सबको डाल देंगे। बीन्स को भी मैंने बिल्कुल पतला पतला स्लाइसेस में कट किया और गाजर को थोड़ा सा ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें विनीगर डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है, नहीं तो ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हमें इन्हें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब हमने गैस को बंद कर दिया, इसको तुरंत ही एक प्लेट में निकाल देंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब हम स्प्रिंग रोल की जो सीड्स हैं उनको चिपकाने के लिए यहाँ पर एक टेबल स्पून मैदा लिया है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे जिससे हमें सीड चिपकाने में आसानी होगी। बिल्कुल गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है। सबसे पहले एक सीड के ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें हम जो स्टफिंग तैयार की थी उसको रखेंगे, जितनी आ सकती है उतनी स्टफिंग इसके अंदर रखेंगे। इसी तरह से हाफ फोल्ड कर देंगे और जो हमने मैदे का घोल बनाया था गाढ़ा गाढ़ा उससे अच्छे से चिपका देंगे। जो हमने घोल बनाया उसे चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये जो स्प्रिंग रोल की सीट है वो अच्छे से चिपक जाए। सीट को हमें अच्छे से चारों तरफ चिपका देना, नहीं तो ये जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर 4 स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिया और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम जो हमने स्प्रिंग रोल बना के रखे थे मीडियम गैस में डालेंगे। जितने स्प्रिंग रोल आ सकते हैं उतने आप अपनी कढ़ाई में डालें। स्प्रिंग रोल को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक
मीडियम गैस पर सेक लेंगे। अगर हम इन्हें ज़्यादा तेज़ गैस में सेकेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन इनकी जो सीड्स हैं वो अंदर से अच्छे से नहीं सिक पाएंगे, इसलिए हमें गैस को मीडियम ही रखना है। इसी तरह से चारों तरफ से पलट पलट कर स्प्रिंग रोल्स को हमें सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं। अब बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हमारे स्प्रिंग रोल सेक गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में, हमने टिश्यू पेपर बिछा लिया था उसके ऊपर, निकाल लेंगे ताकि जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी बचे स्प्रिंग रोल को इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, स्क्वायर शेप देखकर इस तरह से गोल सीड को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। और इस तरह से हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग भर के इसको भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से स्प्रिंग रोल बन के तैयार होंगे। अगर आप चाहते हैं तो गोल सीड से भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं या फिर इनको इस तरह से कट करके भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ स्क्वायर शेप में कट करके भी स्प्रिंग रोल बनाए हैं। आप चाहें तो गोल शेप में या स्क्वायर शेप किसी भी तरीके से बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा जो मैदा हम लोग कट करते हैं स्क्वायर शेप में, उनको मैंने इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया। तो इनको आप एज ए चिप्स की तरह चाय के साथ या फिर इसकी चाट पापड़ी बनाकर खा सकते हैं। सारे स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन जितनी मैंने एक कप आटा लिया था उनसे 12 स्प्रिंग रोल बनके तैयार हुए हैं, बड़े साइज़ के। अगर आप चाहें तो गोल या स्क्वायर शेप किसी भी तरीके से स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। अगर गोल शीट से स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो वो थोड़े से साइज़ में बड़े होंगे, और स्क्वायर शेप में कट करके स्प्रिंग रोल बनाते हैं वो थोड़ा सा साइज़ में छोटे होंगे। आप स्प्रिंग रोल को शेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आपके पास जो भी घर में सब्जियां उनसे भी स्प्रिंग रोल बनाकर आप खा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां मैंने बताई हैं वही डालकर आप स्प्रिंग रोल बनाएं।